ओम शांति। आज एक और नया वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में आप देख सकते हो योगा का जो प्रोग्राम हुआ था आनंद सरोवर ग्राउंड में, और उसकी झलकी आप देख सकते हो। और प्रैक्टिकल योगा दिवस मनाया गया ब्रह्म कुमारीज में, और ये सुंदर दृश्य बाबा का घर का आप देख सकते हो। ओम शांति। दोनों हाथ ऊपर, घुटनों पर आपके पंजे रख लेंगे। एक बार फिर अच्छी तरह से वृत्ताकार रूप में घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के ऊपर अटेंशन प्लीज। घुटना, घुटनों पर हाथ के पंजे रख लेंगे। अब घुटना बेंड करेंगे, सीधा करेंगे, यही पोज। धीरे धीरे ज्वाइंट पेन भी नहीं होगा, घुटनों के दर्द भी नहीं होगा, मसल सेल्स भी आपका स्ट्रांग बन जाएगा इसी पोज में। पर अटेंशन प्लीज, घुटना बेंड नहीं करेंगे, धीरे धीरे यही पोज। घुटना चालान का अगला स्टेप झुकेंगे, आराम से इस पोज में बैठ जाएंगे। कोशिश करो बैठने की, आपके पंजे घुटने पर रखे बैठ जाएंगे। इसे बोलते हैं हम कुर्सी आसन। कौन सा आसन? पिल्लों के जंगा, घुटों के सब प्रॉब्लम दूर, वेरी कोच के प्रॉब्लम भी दूर हो जाता है। धीरे धीरे सिर्फ घुटना भू पर रखे या हाथ समय नासिका से श्वासों को बाहर छोड़ेंगे। शोल्डर चालान, बहुत अच्छा क्रम मार जाएगा भ्रमण करते हुए। शोल्डर चालान बहुत अच्छा हो रहा है सभी का। फिर शोल्डर चालन का अगला पोज, हाथ के पंजे शोल्डर तक के अच्छी तरह से वृत्ताकार रूप में घुमाएंगे। मसल सेल्स भी स्ट्रांग होगा, ज्वाइंट पेन भी नहीं होगा, सर्वाइकल और साइटिका वालों के लिए बहुत ही बेटर होगा यही पोज। एंटी क्लॉक वाइज भी लेंगे। यस, राइट हाथ ऊपर, तर्जनी उंगली ऊपर। ये किसका प्रतीक है? सबका मालिक। वो कौन है? शिव बाबा। प्यारे बाबा के हाथ में मुट्ठी बांधकर अच्छी तरह से वृत्ताकार रूप में घुमाएंगे। शोल्डर चालन का अगला पोज, एंटी क्लॉक वाइज भी लेंगे प्लीज, एंटी क्लॉक वाइज भी लेंगे। बहुत अच्छा। फिर दोनों हाथ ऊपर, अंगूठा नीचे, मुट्ठी को बांध लेंगे। क्रॉसिंग एक्सरसाइज। कौन सा एक्सरसाइज? सुटे जलन का यही पोज रूप में हाथों को घुमाएंगे यही पोज। क्रॉसिंग एंटी क्लॉक वाइज भी लेंगे, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज के ऊपर अटेंशन प्लीज। का अगला पोज, ये पोज भी लेंगे, एक साथ वृत्ताकार रूप में घुमाएंगे। एंटी क्लॉक वाइज भी लेंगे। बहुत अच्छा। अब हम चलते हैं कठिमंथन चक्र एक्सरसाइज। हाथों को शोल्डर की लाइन में फैलाएंगे प्लीज। कठिमंथन, कठिमंथन चक्र एक्सरसाइज शोल्डर ज्वाइंट का। आगे पीछे, राइट शोल्डर पर रखेंगे नेक को लेफ्ट के ऊपर, फिर नेक आगे, एंटी क्लॉक वाइज। बहुत अच्छा। प्रबंध से तत्काल बॉडी का संतुलन बन जाएगा, चक्कर आपके फिनिश हो जाएंगे। बहुत अच्छा। ग्रीवा चालान, शोल्डर चालान, घुटने के पंजे जैसा आकाश छत को छू रहा है, और ताकत से ऊपर की ओर खींचेंगे। बहुत अच्छा। धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते हुए बहुत स्लो पोज में, जंगों से हार्ट टच, एरिया भू पर टच।
बहुत अच्छा, एक बार फिर करेंगे प्लीज। मैं देख रहा हूँ ताड़ासन का पहला स्टेज, फिर लंबी गहरी श्वास लेते उठेंगे। बहुत अच्छा हो रहा है सबका, आमने सामने पंजा होगा, पूरा बॉडी का वेट ही पंजों के ऊपर आ जाएगा। फिंगर पार्किंसन के प्रॉब्लम भी दूर, मसल सेंसिटिव स्ट्रांग होगा। जो बच्चे बोले धीरे धीरे श्वासों को लेते उड़ जाएंगे, फिर सावधान पोजिशन, फिर लंबी गहरी श्वास लेफ्ट की ओर जाएंगे, यही पोज इधर जाएंगे सभी के, यही पोज। बहुत अच्छा, हाथों को खींचेंगे, सीधा होना चाहिए हाथ आपका, राइट की ओर झुकेंगे धीरे धीरे, लंबी गहरी श्वास ले। जब आप लंबी गहरी श्वास लेते हैं तो आपकी थिंकिंग होगी सर्वशक्तिमान शिव बाबा की, सर्वशक्तियां मेरी बॉडी के अंग अंग में समा रही है। जब श्वास बाहर छोड़ते हैं तो आपकी थिंकिंग होगी मेरी नेगेटिविटी, विकार और शरीर की कई प्रकार की पीड़ाएं मेरी बॉडी से डिटेज होते जा रहे हैं। इसी बहुत अच्छा, रुकेंगे नहीं, फिर ऊपर हाथ जाते समय लंबी गहरी सांस लेंगे, नीचे हाथ लाते समय नासिका से श्वासों को बाहर छोड़ते जाएंगे। बहुत अच्छा हो रहा है सबका, परफेक्ट हो रहा, वेरी गुड। पर कुछ हमारे फरिश्ते जंप ले रहे हैं, देख रहा हूं, ये हाल है बॉडी को। हमारा आत्म विकास समाया है, मैं खुद के प्रति, कुटुंब के प्रति और समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। साउंड वाले हमारे जितने भी आयोजित हैं, पूरा एजुकेशन विंग और स्पोर्ट्स विंग, सब की ओर से हम सब जो है इन सब को बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं, बहुत ज़ोरदार तालियां बजा के अभिनंदन करें। और सभी के लिए यहाँ पर प्रसाद रूप में केला रखा है, फल रखा है, आप फल लेकर के जाएं और जूस भी रखा है गेट के पास, आप उसको लेकर।